लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ बात हो रही है दो अफ्रीकन देशों की, केन्या के तुर्काना और इथोपिया के धासनाक समुदाय की। इनके बीच वर्षों से खूनी जंग चली आ रही है। दुश्मनी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नजर पड़ते ही ये एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इतना ही नहीं, दोनों समुदाय बच्चे बूढ़े और महिलाओं तक को भी नहीं बख्शते। दोनों की ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हर घर में AK-47 जैसे घातक हथियार देखे जा सकते हैं। 1960 में केन्या सरकार का ध्यान तुर्काना समुदाय पर गया था। सरकार ने इनके विकास के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन तुर्काना समुदाय के लोग खेती किसानी और पशुपालन के अलावा कुछ और नहीं जानते। इसीलिए कई युवकों को मछलियाँ पकड़ना भी सिखाया गया। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, इसके लिए सरकार ने बॉर्डर पर ही एक बड़ा और गहरा तालाब खोदवा दिया। बारिश से तालाब भरा और फिर इसमें मछलियों के लाखों बच्चे छोड़े गए। कुछ सालों बाद मछली पालन से तुर्काना के लोग अच्छी कमाई करने लगे। लेकिन इसी बीच दूसरी सरहद पर रहने वाले इथियोपिया के धासनाक समुदाय के लोगों की नजर इस तालाब पर पड़ी। वे चोरी से अक्सर पानी लेने और मछलियां पकड़ने यहां घुस आते थे। इससे दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए। कुछ समय बाद दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी हुई कि ये अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो कई बार दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के काटकर उनका मांस तक खा चुके हैं। दोनों ही समुदाय के लोगों के हर घर में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार होते हैं। तुर्काना ने अपने यहाँ के हर एक बच्चे तक को किलर मशीन बना दिया है। 10 साल का बच्चा भी AK-47 से कईयों को ढेर कर सकता है।